जो काफ़ी बड़े गोले हैं इस महल में आज भी रखे हुए हैं, ऐसे कई गोले रखे हैं आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कक्ष और आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग संजय ब्लॉग में। आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ एक और रहस्यमय किले की वीडियो, जो कि काफ़ी रहस्यों से भरा एक किला है। एक किला जो स्थित है दोस्तों, बात करूँ इस किले की तो ये किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के बल्दोगढ़ में स्थित है। इस किले को बनवाया गया था राजा विक्रमादित्य सिंह जो देव जो थे, जो ओरछा रियासत के राजा थे, और जो उस समय पर मराठों का आतंक चल रहा था, तो उनकी लूटपाट से वो राजा काफ़ी परेशान हो गए थे। तो इस किले का निर्माण उन्होंने 1783 ईस्वी में करवाया था, जो कि उनके मेन हथियार वगैरह रखने के लिए इस किले को बनवाया गया था। हम लोग चलते हैं किले की ओर और आप लोगों को बताते हैं इस किले का और भी रहस्य। जैसे ही गाइस मैं बात करूं यहां से, तो हम लोग जैसे ही यहां से सामने जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये किला का मेन द्वार है, यहां से अंदर एंट्री होती है, और ये किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुआ है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो ये महाराजा कुंवर विक्रमजीत सिंह जी देव थे, उन्होंने ये किला अपने हथियार रखने के लिए अपने जो सेफ इसलिए बनवाया था कि यहाँ पर जो हथियार वगैरह हों यहाँ पर सेफ रख सकें। और माना जाता है जो बल्देवगढ़ रियासत है, बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महफूज रियासत मानी जाती है, यहाँ पर युद्ध सामग्री काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी महफूज रखी जाती थी। जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं अंदर, तो आप लोग देख सकते हो ये मेन द्वार मिलता है। यहाँ से पहले ये मेन द्वार हुआ करता था, आप लोग देख सकते हो काफ़ी भव्य और काफ़ी सीना चौड़ा किए एक महल का जो द्वार है खड़ा है। आज भी आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ने यहाँ की जो मरम्मत वगैरह करवा दी है, काफ़ी शानदार मरम्मत करवाई है। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को बताते हैं। जैसे ही हम लोग इस मतलब गेट के अंदर एंट्री लेते हैं, इस द्वार के अंदर एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ मतलब कक्ष टाइप के बने हुए हैं, यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा करते थे। जो यहाँ पर पहले गेट लगा था आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग देख सकते हो पहले लकड़ी का काफ़ी बड़ा गेट लगा होगा, यहाँ से मतलब 20 से 25 फुट ऊंचा गेट होगा, आप लोग देख सकते हो आज भी उसके साक्ष्य वहाँ पर हैं। और ये जो लकड़ी लगी हुई है कम से कम 200 साल पुरानी लकड़ी है, तकरीबन 250 साल हो चुके हैं इस किले को बने हुए। जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर जैसे मतलब जो पहरेदार हुआ करते होंगे यहाँ पर वो बैठते होंगे, यहाँ पर पहरा देते होंगे। जैसे कोई एंट्री लेता होगा तो वो अपनी मतलब इंक्वायरी करते होंगे, जैसे आज के टाइम पर गार्ड वगैरह बैठते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर होगा। जैसे हम लोग यहाँ से अंदर आएंगे तो कुछ और कक्ष भी मिलेंगे जो अभी मतलब काफ़ी सेफ हैं और काफ़ी गवर्नमेंट ने इसकी देख रेख की है, तो अभी फिलहाल वैसे का वैसा ही बना हुआ है। तो गाइस हम लोग यहाँ से चलते हैं अंदर और आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर इस किले का मेन द्वार है सामने ही, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे आप लोगों को इस किले के अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं इस किले का रहस्य। यहाँ पर हम लोगों ने अभी एंट्री करवाई थी, यहाँ पर एंट्री होती है, जो यहाँ पर आप लोग अगर आना चाहते हो तो पर पर्सन के 10 रुपये लगते हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो, वीडियो को रोक कर यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग आराम से। हम चलते हैं आगे आप लोगों को इस किले का और रहस्य। और गाइस यहाँ से जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, तो गाइस यहाँ पर हो सकता है सैनिक वगैरह बैठते हैं उस समय पर, यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी हैं, तो हम लोग यहाँ से भी आप लोगों को चल के दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं किले के अंदर, जो कि मेन कक्ष बने हुए हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं, कहाँ राजा रहते थे, कहाँ फांसी घर है और कहाँ वो तोपें रखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे गोले वगैरह भी रखे हुए हैं जो तोपों के गोले हैं, काफ़ी भारी भरकम तोप थी यहाँ की। और यहाँ पे एक तोप की किस्सा भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे चल के। तो इसके बाद चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार नज़ारा दिखता है पूरा, मतलब आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार भव्य और एक जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है। यहाँ से इस किले में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो ये जो इसमें नक्काशी वगैरह की गई है, काफ़ी शानदार नक्काशी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पर ध्वजारोपण होती है, जो भी मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ के स्थानीय लोग ध्वजा फहराते हैं, जो हमारे इंडिया का फ्लैग है, तिरंगा है, वो यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ से ही हम लोग जैसे आते हैं अंदर तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो ये नक्काशी वगैरह की गई है, काफ़ी शानदार नक्काशी की गई है। और इसकी डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी शानदार, उस समय पर ये काफ़ी भव्य हुआ करता होगा। तो गाइस यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, ये जो गेट लगे हुए हैं, पहले यहाँ पर लकड़ियों के गेट हुआ करते थे, जैसे ही अंग्रेजी शासन आया तो उन्होंने ये गेट लोहे के लगवा दिए। गाइस इस पर अंग्रेजों का भी शासन चला है इस किले के ऊपर। तो हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोगों को अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो जैसे ही गाइस हम लोग अंदर चलते हैं, तो अंदर चलने पर हमें पहले गेट को खोलना पड़ेगा और आप लोगों
को बता देता हूँ अंदर जाके जो जो इसके रहस्य हैं, जो जो इसमें रहस्य छुपे हुए हैं। वैसे तो गाइस ये किला काफ़ी भव्य है और बुंदेलखंड क्षेत्र का ये सबसे महफूज और सबसे मतलब दमदार रियासत हुआ करती थी। यहाँ की ये जो रियासत बनाई गई है, ये जो मतलब महल है, इसमें राजा महाराजाओं के लड़ने के सामान हथियार वगैरह, गोला बारूद, तोपे वगैरह यहाँ पर रखी जाती थी, ताकि उस समय पर जो मराठा हुआ करते थे, जो विक्रमजीत सिंह जो देव थे, मराठों के आतंक की वजह से उन्होंने ये जो मतलब इस रियासत का निर्माण करवाया था। पहले वो ओरछा रियासत हुआ करती थी, लेकिन ओरछा रियासत को बदल कर यहाँ पर बल्देवगढ़ में रियासत बनाई थी, जो कि काफ़ी महफूज थी। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अंदर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो महल मतलब मेन द्वार का ये जो कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे, आप लोग देख सकते हो। और इसके ऊपर छत की बात करें तो ये मतलब 250 साल पुराना ये महल हो चुका है और इसकी छत काफ़ी अभी भी शानदार है, क्योंकि हमारे जो पुरातत्व विभाग है उसने यहाँ पर मरम्मत करवाई है। यहाँ पर छोटी छोटी कुछ कोठी टाइप की कोठियाँ बनी हुई हैं, जो कोठरी इसमें शायद वो अपने हथियार वगैरह रखते होंगे, जो पहरेदार हुआ करते होंगे इसमें आराम करते होंगे। आप लोग देख सकते हो काफ़ी इसके अंदर अंधेरा है, वैसे तो क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर पहरेदार बैठते होंगे। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे और आप लोगों को किले के अंदर लेके चलते हैं। तो गाइस जैसे ही हम लोग आते हैं किले के अंदर, तो यहाँ पर हमें मिलता है आंगन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैदान है। यहाँ पर हो सकता है राजा महाराजाओं के पहरेदारी यहाँ पर बैठते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो महाराजा रुकते नहीं होंगे, अंदर ही उनके महल बने हुए हैं। और जो यहाँ की तोप हुआ करती थी, आज भी उसके गोले आप लोग देख सकते हो, काफ़ी भारी गोले हैं, हमसे तो ये यहाँ से हानि हो रही है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़े गोले हैं इस किले के अंदर, और यहाँ की जो तोप थी, तो गाइस आप मेरे सामने देख सकते हो जो गोले रखे हुए हैं, उस तोप के गोले हैं जो ये यहाँ की रियासत की सबसे बड़ी और भारी भरकम तोप हुआ करती थी। माना जाता है, लोग बाग कहते हैं कि ऐसा इतिहास है उस तोप का, कि वो तोप सिर्फ एक बार ही यूज की गई थी, एक बार ही चलाई गई थी। उस तोप की इतनी खतरनाक गर्जना थी कि उस तोप को एक बार चलाने से हमारे आसपास में जो महिलाएं गर्भवती थी उनके गर्भ का पात हो गया था। तो गाइस ऐसी वो तोप थी, उसका सिर्फ एक बार ही यूज किया गया था, एक बार ही प्रहार किया गया था। आप लोग देख सकते हो तोपों के गोले आज भी ये बताते हैं कितनी भारी भरकम तोप होगी। हमसे तो ये तोप के गोले यहाँ के वहाँ भी नहीं हो रहे। गाइस आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़े गोले हैं इस महल में आज भी रखे हुए, ऐसे कई गोले रखे हैं आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कक्ष और आप लोगों को दिखाते हैं, काफ़ी भारी भरकम है। और एक छोटा सा भी रखा हुआ है गाइस तोप का गोला, इसको मैं उठा कर देखता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये जो तोप का गोला है गाइस काफ़ी भारी है, और उस समय पर तोपों में इस गोले को उपयोग किया जाता था। और ये जो गोला है पत्थर का बना हुआ है गाइस, तो अभी भी यहाँ पर जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो ये गोले रखे मिलते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं कुछ इस तरफ, कक्ष बने हुए हैं, वो कक्ष भी आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग गाइस यहाँ से चलते हैं, सामने आप लोग देख सकते हो गाइस ये कक्ष बने हों। बात करते हैं यहाँ की नक्काशी की, तो आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी शानदार नक्काशी की गई है। अभी पुरातत्व विभाग ने इसकी रिपेयर वगैरह करवा दी गई है, जो कि अभी फिलहाल काफ़ी शानदार लगती है। गाइस यहाँ से जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, तो यहाँ पर एक कक्ष ए बना हुआ है, यहाँ पर भी पहरेदार ही बैठते होंगे, जो उस समय पर पहरेदार होंगे। इसके बाद गाइस एक कक्ष ए भी बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो गाइस यहाँ पर भी रहते होंगे पहरेदार, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इस तरफ, तो गाइस ऐसे यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, काफ़ी मतलब ओरछा में पहले इनका गढ़ हुआ करता था, और मराठों के आतंक की वजह से उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, क्योंकि मराठों की लूटपाट की वजह से उन्होंने ये जो महल बनवाया था, मतलब 55 से 70 एकड़ में ये महल बना हुआ है, और काफ़ी आज भी सीना चौड़ा करके खड़ा है। गाइस आप लोग देख ही सकते हो, उतना ज़्यादा इस महल को क्षतिग्रस्त पहुंचा नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो। ये पेड़ भी शायद कालांतर पुराना पेड़ है, जो अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम इस तरफ कुछ कक्ष बने हैं, आप लोगों को दिखा दें। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि इस किले में कई रहस्य दफन हैं, और जो आज अपने आप में अनसुलझे रहस्य हैं। तो गाइस कुछ कक्ष इस तरफ भी हैं, यहाँ से अंदर चल के आप लोगों को और भी दिखा देते हैं हमें कक्ष वगैरह। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से शायद पहले खिड़की वगैरह होगी, और शायद खुफिया रास्ता भी हो सकता है किले के डायरेक्टली अंदर जाने के लिए, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देखो तो कमरों में जो आज के टाइम पर डिज़ाइन वगैरह निकाली जाती है, लेकिन उस समय की ये जो नक्काशी है काफ़ी शानदार नक्काशी है, और इसमें शायद दीपक वगैरह रखने के काम की होगी। जैसे घरों में पहले लाइट वाइट तो होती नहीं थी, सिर्फ मिसाइलों से काम चलता था। इसके बाद हम लोग चलते हैं सामने, आप लोगों को दिखाते हैं सामने का भी जो भी व्यूज़ है।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस तरफ का पोर्शन भी काफ़ी शानदार बना हुआ है। इसके लिए कि एक खूबी यह है कि गाइस किसी भी कमरे में चले जाओ आपको एक जैसे ही सब कमरे दिखेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये कमरा भी वैसा ही है जैसे सारे कमरे हैं। और इसमें गाइस भूल भुलैया टाइप के भी काफ़ी हैं। यहाँ से जैसे हम लोग इस साइड जाएंगे तो एक बरंदा टाइप का यहाँ पर भी मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहरेदारों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर पहले पहरेदार बैठते थे यहाँ से, ताकि पूरा अपने किले की सुरक्षा की जा सके। यहाँ पर पहरेदार अपनी गन मशीन जो भी चलाते थे उस समय पर यहाँ पर लेकर वो बैठते थे। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है सामने, आप लोग देख सकते हो तालाब भी है इस किले के सामने ही, जहाँ पर यहाँ के राजा रानियाँ नहाने जाया करते थे। यहाँ सामने से ही खुफिया रास्ता है जो डायरेक्टली तालाब के वहाँ पर पहुँच जाता है। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने अभी एंट्री ली थी उसी गेट के पास, हम लोग उसके ऊपर ही मेन द्वार के वहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ से चलते हैं गाइस हम लोग बाहर, फिर आप लोगों को और दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। आप लोग देख सकते हो काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से गाइस आने के बाद हमें मिलता है एक और बरामदा टाइप का, जो कि नीचे जैसा बरामदा बना हुआ था उसी टाइप का यहाँ पर भी मिलता था। तो गाइस सुरक्षा के हिसाब से ये जो महल बना हुआ है काफ़ी शानदार है और बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे महफूज और सबसे सुरक्षित महल माना जाता था।